हमने भूमिका तो समझ लिया, आइए अब चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर, संविधान। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? संविधान के अर्थ, परिभाषा, संविधान की आवश्यकता, संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत, ये हम पढ़ेंगे। संविधान की जो आवश्यकता है वो सभी राज्यों को, सभी शासन प्रणालियों में होती है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी हमें संविधान की आवश्यकता है। अमेरिका वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ भी संविधान की आवश्यकता है। और लीबिया, सीरिया जैसे अप्रजातांत्रिक देश में भी उन देश को चलाने के लिए उनको भी नियम की आवश्यकता होती है। अगर संविधान ना हो तो देश के अंदर क्रांति और अराजकता की स्थिति आ सकती है। संविधान लिखित रूप में भी हो सकता है और अलिखित रूप में भी हो सकता है। अगर हम अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना अलिखित संविधान है। अगर हम लेखबद्ध संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है विश्व का पहला लेखबद्ध संविधान है। हम पढ़ते हैं संविधान, संविधान का अर्थ। संविधान जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है शरीर की संरचना के लिए किया जाता है। शरीर की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका गठन कैसा है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हम प्रयोग जो है राजनीति विज्ञान में राज्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य का गठन क्या होगा। जैसे कि राज्य के स्वरूप में कि राज्य को हम कैसा बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, राजतंत्र बनाना चाहते हैं या गणतंत्र बनाना चाहते हैं। राज्य के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनकी सीमाएँ क्या होंगी। राज्य के अंदर जो नागरिक रहते हैं उसके अधिकार क्या होंगे, उनको क्या स्वतंत्रता होंगी, ये सब संविधान की संरचना, संविधान के गठन को बताती है। आइए देखते हैं कि प्रमुख विद्वानों ने संविधान की क्या परिभाषाएं दी हैं। आर एन गिल क्राइट्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है संविधान को, संविधान उन लिखित अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभाजन, विभिन्न अंगों के वितरण एवं निम्न शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। ये जो परिभाषा है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं इन ये जो परिभाषा है वो भारत के संविधान पर लागू होती है। इसमें लिखा है सरकार की शक्तियों का विभाजन। जैसे कि हम देखते हैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का विभाजन है, तो ये जो परिभाषा है भारत के संविधान पर लागू होती है, पूरी पूरी नहीं पर लागू होती है। अब देखते हैं दूसरे जो विद्वान है डाइसी के अनुसार, डाइसी क्या कहते हैं, वे सब नियम संविधान कहलाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में प्रमुख शक्ति के विभाजन और प्रयोग को प्रभावित करते हैं। और विद्वान है हर्मन फाइनर क्या कहते हैं, संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। फिर हम और विद्वान की तरफ देखते हैं, आइए एक और विद्वान ऑस्टिन के अनुसार हम देखें कि इन्होंने संविधान को किस प्रकार परिभाषित किया है। ऑस्टिन ने कहा संविधान उन नियमों का समूह है जो सर्वोच्च शासन की रूपरेखा निर्धारित करती है। सर्वोच्च शासन मतलब केंद्र सरकार की बात हुई है। हम अमेरिका के संविधान को यदि हम देखें तो वहां पर संविधान में ज्यादातर जो बातें हैं संघ शासन की हुई है, केंद्र सरकार की हुई है। पर यदि हम भारत की तरफ देखें तो भारत का जो संविधान है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि पंचायती व्यवस्था तक की बातें करता है। तो ऑस्टिन की जो परिभाषा है तो वो परिभाषा
अमेरिका के संविधान पर लागू होती है, पर भारत के संविधान पर वो लागू नहीं होती है। आइए हम चलते हैं दूसरे विद्वान गेटिल की तरफ। क्या कहते हैं संविधान को? वे मौलिक सिद्धांत जिसके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है। फिर चलते हैं हम एक और दूसरे प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड ब्राइस की तरफ। लॉर्ड ब्राइस की तरफ वो कहते हैं संविधान वे कानून या नियम सम्मिलित होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य और इसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य की बात कही गई है। भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात कही गई है, तो ये परिभाषा भारत पर लागू होती है। पर यदि हम चीन के संविधान को देखें और रूस के संविधान को देखें तो वहाँ पर मौलिक अधिकार जो हैं उतने विस्तृत उल्लेख उसमें नहीं है, या मौलिक अधिकारों को कि उतनी बातें नहीं की गई हैं, वहाँ कर्तव्य की बातें ज़्यादा की गई हैं। तो ये जो परिभाषा है लॉर्ड ब्राइस की, ये भारत पर लागू होती है। अगले विद्वान की तरफ देखते हैं वुलजे। वुलजे के अनुसार संविधान उन नियमों का समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां प्रजा के अधिकार और उन दोनों के परस्पर संबंध को निश्चित किया जाता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं अरस्तु की, कि अरस्तु संविधान को क्या कहते हैं। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। अब इतनी परिभाषाएं हमने देखी इतने सारे विद्वानों की, अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि इन परिभाषाओं का निष्कर्ष क्या निकलता है। संविधान जो है राज्य का आधार है। जैसे हम घर बनाते हैं तो हमें घर बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए राज्य को चलाने का जो आधार है वो है संविधान। संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है। नियम कानून तो प्रतिदिन बनते रहते हैं, पर जो संविधान है जो सबसे ऊपर कानून है, सर्वोच्च कानून है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों रूपों में होता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, पर अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। संविधान दोनों रूप में हो सकता है। संविधान हमें ये बताती है कि शासन के अंग जो हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके कार्य क्या होंगे, इसकी शक्तियां क्या होंगी। संविधान से ही हमें पता चलता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्र या गणतंत्र। संविधान ही राज्य और व्यक्ति, व्यक्ति और राज्य, इनके बीच परस्पर संबंध को बताती है। संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकार या कर्तव्य इसको स्पष्ट करती है। तो इन परिभाषाओं के विश्लेषण से हमें ये संविधान का जो रूप है वो हमें पता चलता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि विधि और संविधान में क्या अंतर है। विधि जो है किसी भी कार्य करने के नियम को हम विधि कहते हैं, पर विधि के निर्माण की जो विधि होती है उसको हम संविधान कहते हैं। यही अंतर है कि किसी कार्य करने के जो नियम है वो विधि है, पर उन विधियों का निर्माण किस प्रकार से होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा, ये संविधान है। तो संविधान विधियों के निर्माण की विधि है। इसका एक उदाहरण देखिए, आईपीसी में यदि संशोधन करना है तो संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी संशोधन। पर संशोधन संसद करेगी ये कौन बताता है, कहाँ से पता चलता है? ये हमें संविधान से पता चलता है कि आईपीसी में यदि संशोधन करना है तो वो संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी। संविधान का महत्व और उसकी आवश्यकता। संविधान जो है वो राज्य की
आत्मा कही जाती है। जैसे शरीर, अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से राज्य में संविधान उसकी आत्मा है, अगर संविधान ना हो तो राज्य का कोई महत्व नहीं होता। एक प्रसिद्ध विद्वान जेलिनेकी की परिभाषा यदि हम देखें, उन्होंने कहा, संविधान विहीन राज्य राज्य ना होकर अराजकता की व्यवस्था होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिना संविधान के जो राज्य है, बिना नींव के भवन, क्या बिना नींव डाले हम भवन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसी प्रकार से बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता है। अब हम इसकी आवश्यकता और महत्व पर एक नज़र डालते हैं। पहला, क्या आवश्यकता है? सरकार के संगठन के निर्धारण के लिए, सरकार के संगठन के निर्धारण के लिए सरकार के तीन अंग, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये संस्थाएं जो कार्य करेंगे, तो कार्य करने के लिए इनके पास शक्तियां हैं, कितनी शक्ति होंगी और इसकी क्या सीमाएं होंगी। जैसे व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है देश को संचालित करना, और न्यायपालिका का कार्य है इन दोनों अंगों के कार्यों को मॉनिटरिंग करना। संविधान में ये भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि व्यवस्थापिका कानून को बनाती है तो कार्यपालिका भी अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाती है। न्यायपालिका के पास शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकती है। लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा हो, राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा हो, तब न्यायपालिका इन सदस्यों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, यदि वो केस सिविल केस से संबंधित हो। ये न्यायपालिका की सीमा है। यदि किसी मंत्री से प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न सिर्फ विधानमंडल में, संसद में ही पूछा जा सकता है, वो जानकारी संसद और विधानमंडल में ही ली जा सकती है, इसके अलावा और बाहर से नहीं ली जा सकती। तो ये इसकी क्या है? सीमा है। तो हम देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता यह है कि वो सरकार के संगठन का निर्धारण करती है कि कौन सा अंग किस प्रकार से कार्य करेगा और उसकी सीमाएं क्या होंगी। जैसे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20, इसमें किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे पुलिस स्टेशन पर दबाव डालकर, मारपीट करके किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, तो वो अनुच्छेद 20 के तहत, मौलिक अधिकार के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में बिना वारंट के मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा गिरफ्तार किया जाता है तो आप न्यायालय की शरण आप ले सकते हैं। और इसमें यह भी है कि एक महिला को एक महिला पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है। तो अगर हमारे इन अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में हम जा सकते हैं। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उनको आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, अनुच्छेद 20 और 226 के तहत उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यदि राज्य या कोई प्रशासनिक अधिकारी मनमाना कार्य करे या अत्याचार करे या शोषण करे तो हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राज्य है वो किस प्रकार से अनुचित कार्य कर सकता है, उसके लिए न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। वो संविधान के आधार पर ये चेक करती है कि जो व्यवस्थापिका है वो जनता के हित में कार्य कर रही है कि नहीं, संविधान के अनुसार वो कानून बना रही है कि नहीं। यदि उन्हें संविधान के अनुसार नहीं लगता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है।
इस प्रकार से स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जाता है। शांति और सुव्यवस्था के लिए संविधान आवश्यक है। संविधान में व्यक्तियों के लिए नियम, कानून, अधिकार और कर्तव्य, राज्य के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी, इसका उल्लेख किया जाता है। इसके ज्ञान के आधार पर ही राज्य को भी पता है उसके अधिकार क्या है, व्यक्तियों को भी पता है उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। जब दोनों को यह ज्ञान होता है तो देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था बनी रहती है। जैसे शांति और सुव्यवस्था की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो कार्यपालिका का है। यदि देश के अंदर आपातकाल की स्थिति आती है तो यहाँ पर देश में भद्दड़ ना मच जाए, इसलिए सैन्य शासन घोषित किया जाता है। लेकिन हम मिडिल ईस्ट में देखें और पाकिस्तान में देखें, थोड़ा सा भी आपातकाल की स्थिति आती है तो सेना प्रमुख जो हैं वो सत्ता हथिया लेते हैं। पर ऐसी स्थिति हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में जो कार्यपालिका है वो आपात के काल की स्थिति को अच्छे से, आपातकाल की स्थिति का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया गया है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जनता पर शासन करने के लिए आवश्यक है कि जनता की सेवा की जाए। ये कहा है प्रसिद्ध लेखक कुजे ने, कहा है कि व्यक्ति का कल्याण राज्य का ध्येय होता है। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा एवं विविध क्षेत्र में विकास कर सके, इसके लिए उन्हें अधिकार दिए जाएं। राज्य व सरकार व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन ना कर सके, अतः संविधान के द्वारा सीमाएं निश्चित की जाती हैं। अर्थात राज्य अधिकारों में कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान व्यवस्था के लिए प्रत्येक राज्य को संविधान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, जिसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, परंतु ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में जो अधिकार नागरिकों को मिले हैं वो सकारात्मक है, पर इंग्लैंड का संविधान जो लिखा हुआ नहीं है। क्यों लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि 1500 सालों का उनके पास इतिहास है और बिना किसी उतार चढ़ाव के वो शासन कर रहे हैं, तो उन्हें हर बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अधिकारों के बारे में अपने संविधान में नहीं लिखा। वहाँ पर व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। यदि कोई समस्या आती है तो न्यायपालिका देखती है कि इस व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत। अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये गलत है तो वो उस पर रोक लगा देती है, उन अधिकारों को रोक देती है, बंद कर देती है। भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें, जैसे अमेरिका उपनिवेश था, उपनिवेश से वो आज़ाद हुआ था, एक नई शासन प्रणाली थी, तो उनके पास अवसर था कि वो अपना संविधान लिखें। उन्होंने ज़रूरी समझा कि हम अपने अधिकारों को लिखें, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया। उसी प्रकार से भारत भी ब्रिटिशों का गुलाम था, शोषण का शिकार था, तो हमने अमेरिका की तरफ देखा कि अमेरिका ने अपने संविधान में उल्लेख किया है तो हमें भी उल्लेख करना चाहिए। अगर हम उल्लेख करते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों का तो इससे गारंटी मिलती है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो और शोषण से बचाया जा सके। राज्य व व्यक्ति के बीच संबंधों के निर्धारण के लिए राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्तियों से होता है और व्यक्तियों का जो जीवन है राज्य में ही संभव है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः राज्य और व्यक्तियों के बीच क्या संबंध होने चाहिए उसका निर्धारण के लिए संविधान आवश्यक है। यदि किसी राज्य का संविधान ना हो तो राज्य तथा नागरिकों के बीच
कि संबंधों का किसी को ज्ञान नहीं होगा। इस जानकारी के आधार पर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है और राज्य भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसी प्रकार राज्य और नागरिकों के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। जैसे व्यक्ति को अधिकार कौन देता है? राज्य देता है। संविधान की ओर से व्यक्तियों को अधिकार मिलते हैं, जिसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो राज्य का होता है। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करे, उसकी उन्नति के लिए कार्य करे। उसी प्रकार व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है कि देश को जब भी जरूरत पड़े, जैसे कि आपात की स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है और नागरिकों से कहा जाए कि वो सेना में जाएं और देश की रक्षा करें, तो नागरिकों को सेना में जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकों का कर्तव्य है कि जरूरत में, कठिन परिस्थिति में राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। व्यक्ति बाध्य नहीं है, उसको दंड नहीं दे सकते, पर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सेना में जाकर देश की रक्षा करें। इसी प्रकार से राज्य और व्यक्ति को, दोनों को अपने अधिकार और कर्तव्य को जब ज्ञान होता है, तो इसी से राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण होता है। शासन की सुव्यवस्था के लिए संविधान में शासन के विविध अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के लिए अलग अलग अधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन होता है, जिसके अनुसार शासन के विविध अंग कार्य करने से शासन की सुव्यवस्था बनी रहती है। अतः शासन में सुव्यवस्था के लिए संविधान का होना आवश्यक है। अतः शासन में सुव्यवस्था के लिए भी संविधान का होना आवश्यक है। तीनों अंग अलग अलग कार्य करते हैं, अतः शक्ति पृथक्करण है। शक्ति पृथक्करण, तीनों अंग, कोई कानून बना रहा है, कोई क्रियान्वित कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, शक्ति पृथक्करण हमें देखने को मिलता है। अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सुव्यवस्था बनी रहेगी। जैसे कि राज्यपाल का जो पद है वो ब्रिटिश शासन काल में भी था, तो उस पद को हमने ख़त्म नहीं किया, वो पद हमने रखा। पर आज जो मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो पहले ब्रिटिश शासन काल में राज्यपाल की हुआ करती थी, तो हमने राज्यपाल का पद तो ख़त्म नहीं किया, पर मुख्यमंत्री का पद हमने रखा। और मुख्यमंत्री जो होता है जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए हमने उसको वास्तविक शक्ति दी है। और राज्यपाल का पद भी हमने बना कर रखा, इसलिए उन्हें भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं संविधान की ओर से। तो राज्यपाल की शक्ति का भी उल्लेख, मुख्यमंत्री की भी शक्ति का उल्लेख किया गया है, इससे दोनों के बीच संघर्ष ना हो, उसका उल्लेख संविधान में किया जाता है। अमेरिका में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है और वहाँ की जो न्यायपालिका समय समय पर स्पष्ट इसको करती है। जनता को शोषण से बचाने के लिए संविधान की सबसे बड़ी आवश्यकता व महत्व है, जनता को उत्पीड़न व शोषण से बचाना। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों के साथ साथ उन शक्तियों पर लगे सीमाओं का भी उल्लेख रहता है। यदि ऐसा ना हो तो शासन के विभिन्न अंग, विशेष करके अधिकारी वर्ग, नौकरशाही होना, अत्यंत अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता पर मनमाना अत्याचार करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। संविधान के अभाव में राज्य का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों के लिए तो संविधान अपरिहार्य है, और सच्चे संवैधानिक शासन की कल्पना एक लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। जैसे पुलिस आपको बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं कर सकती, या आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है,
जिसमें अनुच्छेद 32 में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कहीं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए न्यायपालिका अपने सम्मुख उस व्यक्ति को प्रस्तुत करवाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें शोषण से बचाने के लिए ये मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। संविधान का वर्गीकरण या प्रकार, विभिन्न विद्वानों ने विविध तरीके से संविधान का वर्गीकरण किया है। संविधान को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर, और तीसरा परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब तीनों वर्गीकरण को हम फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। उसी प्रकार से प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात पर जो संविधान है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर, जिसमें पहला परिवर्तनशीलता या लचीला संविधान या अपरिवर्तनशील या कठोर संविधान। तो चलिए अब इस वर्गीकरण को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, जिसका पहला है विकसित संविधान। विकसित संविधान ऐसा संविधान जिसका निर्माण नहीं किया गया है, वो प्रथा परंपरा और परिस्थिति और न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो संविधान बना, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान है। वहाँ पर जो संविधान है प्रथाओं पर आधारित था, क्योंकि 1500 सालों तक उन्हें शासन का अनुभव था तो वो लिखना ज़रूरी उन्होंने नहीं समझा, और जो प्रथा परंपरा जो चल रही थी शासन करने की उसी के आधार पर उनका जो संविधान है वो विकसित हुआ। न्यूजीलैंड और कनाडा को संविधान को देखें, वो भी विकसित संविधान है, क्योंकि वो भी देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो ब्रिटिश शासन से वो काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने भी अपने संविधान का निर्माण नहीं किया, वहां पर भी विकसित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, क्यों? क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था बदली नहीं, 1500 सालों तक एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था है। पर भारत में शासन व्यवस्था बदली, अमेरिका में भी शासन व्यवस्था बदली, इसलिए उनको संविधान का निर्माण करना जरूरी था और ब्रिटिश को जरूरी नहीं था। जर्मनी देखें, जर्मनी का इतिहास है, यह व्यवस्था है वो इंग्लैंड से भी पुराना है। जैसे जर्मनी में भी शासन व्यवस्था बदली, बिस्मार्क का शासन, बहुदली शासन व्यवस्था, हिटलर का शासन जो कि अत्याचारपूर्ण था, तो जर्मनी के लिए भी मित्र राष्ट्रों ने संविधान बना के दिया कि संविधान के द्वारा यहाँ पे शासन होना चाहिए।